सर्दी हो या गर्मी, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। अंडे अंडा 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 अंडा, आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा। ये नहीं प्यारे कोई मामूली बंदा। करीबन 50 रुपए दर्जन हुआ करता था एग का रेट, 50-55 रुपीस में पर डजन आते थे। पहले मिलते होंगे 50-60-65 पे मिलते थे। पहले अंडे का दाम 5 रुपए था भैया, अब 60 रुपए। और अभी तो देखो 76-85 जो भी रेट है रेट चल रहा है। अब तो 85-80-90 तक पहुंच जाते हैं कई बार। अभी कुछ दिनों से अंडे 80 रुपीस तक आ रहे हैं। सर्दी की वजह से यार ट्रक नहीं आ रहा होगा। GST के कारण सब चीज़ों पर GST लग रहा है। हमें समझ नहीं आता कि GST का अंडों से क्या मतलब है। पता नहीं क्यों बढ़ गया। किसी से पूछो तो वो कहता है कि सर्दी पहले पड़ गई इसलिए अंडा महंगा हो गया। कोई कहता है कि पोल्ट्री फार्म वाले गड़बड़ कर रहे हैं। अंडा थोड़ा सा सुबह मॉर्निंग में बच्चे अपने आप भी बना के खा जाते हैं तो वो थोड़ी दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। फील होता है कि भाई रेट इतने बढ़ चुके हैं, महंगाई हो चुकी है। मेरे घर में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ हो सकता है बाकियों को फर्क पड़ा हो। पहले ठीक काम चल रहा था, बहुत कम मंदा चल रहा है काम। भैया हमारे टेबल पे से तो अंडा जा रहा है। ठंड आ गई, कमाने का टाइम है, बाद में तो मंदा ही मंदा होगा। एक साइकोलॉजी लोगों को है के विंटर में ठंड में अंडा खाना चाहिए तो डिमांड डबल हो जाती है, इसलिए अंडा महंगा हो जाता है। फीड महंगा होता है, अफोर्डेबल नहीं होता। फीड तो विंटर में ज़्यादा खाता है लेकिन अंडे कम देता है। इससे बचने के लिए गवर्नमेंट बॉडीज को आगे आना चाहिए, ऐड देनी चाहिए, पब्लिक को बताना चाहिए। या तो गवर्नमेंट अपने डिपो खोल दे। हम तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे अंडे बेच देते हैं।